अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। तो आज है आईपीएल दूसरे लेग का दूसरा दिन और आज मुकाबला है मेरी टीम का और मेरे सामने बैठे हैं हेलमेट बाबा। बाबा जी, आपने पीले रंग का हेलमेट क्यों पहना है? चेन्नई का हेलमेट? ये प्रूफ है उन लोगों के लिए भी जिनको लगता था कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हुआ कुछ ऐसा ही। यार बाबा जी, आप कमाल हो, मतलब देख लेते छा गए हो बिल्कुल एकदम। मतलब आपने हेलमेट चूज किया मुंबई का और जिता रहे हो चेन्नई को। आज कल ऐसा आप आज गुजारिश है आपसे, विनती है। अरे नहीं। मतलब झुक के प्रणाम करता हूँ आपको। पहले मैंने सोचा था यार बाबा जी की ऐसी की तैसी मैं मतलब हरा देगी मेरी टीम, लेकिन यार क्या पता कहीं सच में टोटका वोटका हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि बाबा जी के सामने नतमस्तक हो जाने में ही भलाई है मेरी। क्योंकि तो आज है मेरी टीम का मुकाबला केकेआर के साथ। दोनों हेलमेट सोच रहा हूँ कि रखूं ही नहीं, लेकिन एक परंपरा जो बाबा जी निभाते आ रहे हैं उसको भी निभानी है हमें, तो देखते हैं। वैसे तो कोशिश करूंगा कि दूर रखूं ताकि दूर वाला हेलमेट ये चूज ना करे। वो मुझे पता और तो ये चलेगा मेरे नहीं, आ चुके हैं दो गोल्डन हेलमेट, बंद कर लेता हूं और मुझे पता तो चलता नहीं, और मैं मुझे तो बस ऊपर से ऐसे बोलता हूं कि भाई हाँ, और बस। तो ये आ चुके हैं हेलमेट आपके सामने। अब ये बताइए कि आप चाहते किसको है जीतना? ठीक है, वो आप अंतर मन की जो आवाज आपके अंदर से आएगी, बस वही अंतर मन की जो आवाज है वही टीम। मैं ऐसे बताऊंगा नहीं कि कौन सी टीम क्या है, मेरी कोई फेवरेट है। तो मेरी अंतर मन की आवाज मुंह से निकलनी चाहिए ना, या हाथों पे ही जाती है? सीधा हाथों पे जाती है। अरे यार बाबा जी, आप तो मतलब कमाल कर देते हो। तो ये है मेरी टीम का हेलमेट और ये है केकेआर का हेलमेट। ये जो है सातवें पायदान पर है और ये तीसरे पायदान पर। तो अब देखिए आप क्या करते हैं भाई। बाबा जी थोड़ा सा देखिए आप क्या करते हैं, देखिए क्या होता है। मेरे थोड़ा सा ना कृपा दृष्टि जो होती है वो बनाए रखिए और बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वैसे ही आरसीबी पे अब झटके पे झटके लगे हुए हैं। नहीं, कप्तान अब कप्तान ने कप्तानी छोड़ दिए, कहा है कि इस सीजन के बाद वो कप्तानी नहीं करेंगे आरसीबी की। तो अब एक बार जाते जाते तो जिता दीजिए, इतने साल हो गए, 14वां सीजन आ गया, तो एक बार तो बनता है ना। तो थोड़ा सा माफी उसको, उस टीम को कर दीजिए। बाकी अब अपनी आंखें बंद करिए तो मैं लोगों के इंतजार को खत्म करूं। ओके, आईज क्लोज्ड। आईज क्लोज्ड, चेक भी कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा मंत्र मैं भी पढ़ दूं क्या? अच्छा मंत्र पढ़ दीजिए। ओम ग्लीम क्लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चय ओम शिया। अच्छा अब देखते हैं कि बाबा जी के पे मेरा मंत्र काम करता है कि नहीं। बाबा जी अब हाथ आगे बढ़ाइए और रख दीजिए अपना। ऐसे रखा है ना, ऐसे कि क्या? हाँ रखिए, चलिए बोलूंगा नहीं अब, क्योंकि सीधे चलिए। ये माइक आप पकड़िए। नहीं नहीं, माइक आप रखे रहिए आप। तो मैं एक ही हाथ बढ़ाएंगे ना, नहीं तो या दोनों हाथ बढ़ाएंगे? दो हाथ से मैं फिर कोई चूज करूंगा ना। तो दोनों हाथ एक ही हेलमेट पे रखिएगा। अच्छा चलिए एक मिनट रुक जाइए। हाँ। थोड़ा सा मैं, मुझे अंतिम वक्त पे थोड़ा अच्छा, सा याद आ रहा है कि कुछ तो कारनामा ना कर दें आप, इसलिए चलिए रखिए। लेफ्ट 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 लेफ्ट। ये क्या हो गया यार, ये तो आपको ये क्या तो, लगता है मैं इतनी आसानी से हारने दूंगा अपनी टीम को? ये तो कोई बात ही नहीं होती यार, ये तो मतलब चलिए थोड़ा सा ठीक है अब मजाक, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक बार फिर से आपका टेस्ट लेते हैं। वैसे पहली बार में इन्होंने चूज तो वही किया है, चलिए एक बार फिर से आके वो तो पहली बार में चूज तो अब एक हेलमेट तो एक ही को चूज किया जाएगा। अब मैंने कर दिया है और हेरा फेरी बस शुरू हो रही है और उम्मीद है कि आप आज, मैं आपको सेंटर में ले आता हूँ ताकि आप एक ही हाथ आगे बढ़े, घूम भी जाऊं। नहीं 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 ठीक है बिल्कुल। चलिए अब आप हाथ रख दीजिए। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी, आज तो मतलब बचा लो मेरी टीम को। कहाँ गया? सामने है बिल्कुल, और देख लीजिए बाबा जी, खोलिए आंखें अपनी और आपने जिताया है, मतलब चलिए देखते हैं फिर। तो अब तो शायद बाबा जी ने मेरी जो विनती है इनके अंतर मन तक पहुंच गई और इन्होंने जो चूज किया है आज वो केकेआर का हेलमेट चूज किया। मतलब आरसीबी वालों जश्न मनाना शुरू कर दो, केकेआर वालों अब अगले मैच का इंतजार करो, मैं तो यही कहूंगा। तो विराट कोहली, हाँ आपकी टीम
आपने बचा लिया बस। मैंने तो आपका वो बोलते हैं ना, मैंने तो बस छुआ, कर्जदार हो गया मैं आपका। ठीक है, सही समय में सही वक्त पे मैं बताऊंगा कि ये कर्जा कैसे चुकता करना है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हेलमेट बाबा का। तो बिल्कुल, अब कल जैसे चेन्नई के जो फैंस हैं वो बड़े खुश होंगे। अब मैं तो आज चाहूंगा कि हेलमेट बाबा की जो पावर है वो सही साबित हो बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आज हेलमेट बाबा, आज के दिन गलत हो या कभी ना हो, लेकिन आज तो गलत नहीं होना है, आज इनको सही होना है बिल्कुल। तो आप लोगों को हेलमेट बाबा का एपिसोड कैसा लग रहा है हमें फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बताइए, और इसके अलावा स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि अब ऐप पूरी तरह से फंक्शन हो चुका है और आपको बहुत सारी अपडेट्स उस पर, वीडियोस, इमेजेस, मैच की इनसाइट सब कुछ मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए और स्पोर्ट्स तक को डाउनलोड भी करिए। अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।